तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं SRH यानी कि सनराइज हैदराबाद के बारे में, किस तरीके से सनराइज हैदराबाद ने अपने टीम को तैयार किया है नेक्स्ट IPL को खेलने के लिए, क्या एबिलिटी रखता है नेक्स्ट फिर से एक और ट्रॉफी हासिल करने का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सनराइज हैदराबाद का किस तरीके का ऑक्शन रहा है, ऑक्शन में इन्होंने क्या क्या है। तो उतना बड़ा शॉपिंग तो इन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो किया है बहुत ही अच्छा रहा इनका ऑक्शन, और एक बैलेंस टीम इन्होंने फिर से बना लिया है। तो इनके पास पहले आया था मिचेल मार्च ऑक्शन से 2 करोड़ में, उसके बाद विराट सिंह 1.9 करोड़ में, पीएम गर्ग 1.9 करोड़ में, उसके बाद फिडबियन एलन आया है 50 लाख में, अब्दुल समद आया है 20 लाख में, संजय यादव आया है 20 लाख में, और संदीप भवना का 20 लाख में भी आ चुका है इनके पास। तो टोटल 7 खिलाड़ी ऑक्शन से इन्होंने खरीदा है और अभी तो बैलेंस टीम लग रहा है। चलिए टोटल स्क्वाड के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन कौन शामिल है, उसके बाद थोड़ा बहुत हम बातचीत करेंगे इनके टीम के बारे में। तो पहला खिलाड़ी है केन विलियमसन, उसके बाद डेविड वार्नर, मनीष पांडे, पीएम गर्ग, विराट सिंह, अब्दुल समद, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, मिचेल मार्च, संदीप, फेवियन एलन, मोहम्मद नबी, संजय यादव, उसके बाद जॉनी ब्रेस्टो, रिद्धिमान साहा, श्रीवंत गोस्वामी, भुवनेश्वर कुमार, बसिल थम्पी, बिली स्टैनलेक, उसके बाद संदीप शर्मा, सहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी नटराजन और राशिद खान। तो सनराइज हैदराबाद के टोटल टीम को देखने के बाद भाई हमेशा की तरह ही बहुत ही बैलेंस टीम लग रहा है। हाँ, टॉप फोर में जाने के लिए इनके पास एबिलिटी है, ये कर सकता है कुछ कारनामा, लेकिन अगर ट्रॉफी हासिल करने की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खटक रहा है कि ट्रॉफी शायद हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, सेमीफाइनल तक तो पहुँचेगा ही ये टीम, बहुत ही बैलेंस टीम है जहाँ पर डेविड वार्नर मौजूद है, उसके बाद मनीष पांडे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, केन विलियमसन मौजूद है, कीप एंड काम खिलाड़ी, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जॉनी ब्रेस्टो, धुआंधार लास्ट सीजन किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है आपको पता है। तो भाई टोटल टीम बहुत ही बैलेंस है और अच्छा टीम लग रहा है। आप लोग भी अपना राय बताइए कि क्या हो सकता है इस टीम के साथ, कितना दूर ये जा सकता है। और एक दिक्कत की बात ये हो सकता है कि जो विदेशी खिलाड़ी इन्होंने शामिल किया है ऑक्शन से, मिचेल मार्च, इनका जगह किंग इलेवन में शायद नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छा अच्छा विदेशी खिलाड़ी है वो बेस्ट किंग इलेवन में आ चुका है। तो भाई यहाँ पर मिचेल मार्च का जगह शायद नहीं बनेगा, यानी कि जो विदेशी खिलाड़ी है इनके पास अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी इनका जगह किंग इलेवन में शायद नहीं बनेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सनराइज हैदराबाद का क्या बेस्ट किंग इलेवन है। तो ओपनिंग जोड़ी में डेविड वार्नर के साथ जॉनी ब्रेस्टो, तो भाई ये दोनों कमाल का शुरुआत दे सकता है। तो इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 नंबर पर स्टेबिलिटी देने के लिए केन विलियमसन आएगा, 4 नंबर पर मनीष पांडे, उसके बाद 5 नंबर पर विजय शंकर, 6 नंबर पर भाई अभिषेक शर्मा हो सकता है या विराट सिंह, इन दोनों में से कोई एक, तो यहां पर मैं चूज करूंगा अभिषेक शर्मा को। नेक्स्ट 7 नंबर पर रशीद खान, उसके बाद 8 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, नेक्स्ट 9 नंबर पर खलील अहमद, 10 नंबर पर सिद्धार्थ कौल और 11 नंबर पर सहबाज नदीम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इनका विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वार्नर, जॉनी ब्रेस्टो और केन विलियमसन के साथ साथ राशिद खान, 4 विदेशी खिलाड़ी का कोटा पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मिचेल मार्च का जगह नहीं बनेगा। तो मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई बहुत सारा प्रॉब्लम है इनके पास, ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद है लेकिन प्लेइंग इलेवन में शायद मौका नहीं मिलेगा, अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चीज़ देखा जाए तो भाई इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है और साथ साथ इनका जो बैकअप है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इनके पास बैकअप का कुछ भी कमी नहीं है। तो अच्छा और बैलेंस टीम मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट IPL में, किस तरीके से सनराइज हैदराबाद परफॉर्मेंस करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग भी क्या सोच रखते हो इस टीम के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।